हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बहुत सारी रेमेडीज बताने वाली हूँ, वो भी सिर्फ एक पैकेट की, यानी कि ऑरेंज पील पाउडर के। मैं बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगी, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करेंगे स्क्रब से, जो डार्क एरियाज को कवर करने के लिए होगा। सबसे पहले हमने एक बाउल ले लेना, जिसमें हम अपना मिक्सचर रेडी करेंगे, और एक स्पून। ओके जी, सबसे पहले हमने एक चम्मच जो है ऑरेंज पील पाउडर का ले लेना है इस तरह से, ठीक है, ये इसमें मिक्स किया हमने। सेकंड नंबर पर हमें चाहिए है हल्दी, यानी कि हल्दी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। हल्दी आप घर की यूज़ कर सकते हैं या कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हल्दी हमें 2 पिंच चाहिए तकरीबन इतनी, ठीक है, हम मिक्स करेंगे, ठीक है। नंबर पर हमारे पास होना चाहिए एलोवेरा, यहाँ पर मैं बाजार के एलोवेरा यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो घर की भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको सूट करे। चाहिए है दूध, दूध का हमने 1 टेबल स्पून जो है ना भर कर ले लेना है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। यहाँ पर जी हमारे पास ये हो गया है मिक्स इस तरह से, थोड़ा सा थिक होना चाहिए आपका पेस्ट इस तरह से। तो अप्लाई किस तरह से करना है मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आपने, मैं इसको हाथों की मदद से ही लूँगी। सबसे पहले ये हमारे डार्क एरियाज में आते हैं नकल्स, हाथ में, जो हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको आपने स्क्रब करना है हल्का हल्का इस तरह से। तो आपने इसको अच्छे से इस तरह से अप्लाई करना है। इसको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट आपने स्क्रब करना है। 2 मिनट में आपकी ये क्लियर हो जाएगी स्किन। तो ये हमने वॉश कर लिया और ये फाइनल रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है जी। ये चीज़ें लाइट हो गई हैं पहले से, और जो एक्स्ट्रा स्किन और सॉफ्ट हो गई है काफ़ी ज़्यादा, तो एलोवेरा की वजह से जो हमने बीच में ऐड की है। तो उसके बाद ही हम चलते हैं दूसरी रेमेडी की तरफ। उसमें हमारे पास चाहिए है राइस पाउडर, जो हमने अब मास्क बनाना है, ठीक है। उसके अलावा सेकंड नंबर पर अगेन हमारे पास दूध है, और सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो हमारे पास हर पार्क में होना ज़रूरी है, ऑरेंज पील पाउडर, ठीक है। इस पास है शहद, ये भी हमें ज़रूरी है, तो ये भी चाहिए है। टेबल स्पून ये है हमारे पास, ये ऐड करेंगे हम इसमें। इधर भी मैं सेम उतना ही लूँगी जितना मैंने पील पाउडर लिया, ये हम इसमें ऐड कर दिया है। शहद ले लेना है इस तरह से, ये बीच में मिक्स। ओके, इसमें थोड़ा और ऐड कर देते हैं, बिकॉज़ ये हाफ तो चम्मच पे ही लग जाता है। ओके, कैक्सिक। उसके बाद 1.5 टेबल स्पून हमें मिल्क चाहिए, यानी कि ये भर कर इतना, ठीक है, इस तरह से। ओके जी, तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ इसकी जो पेस्ट रेडी हो गई है हमारे पास, ठीक है। हाथ आपका इस तरह से थोड़ा सा वेट होना चाहिए, और फिर ये आपने इस तरह से अप्लाई करना है, थोड़ा सा थिक थिक सा अप्लाई करना है आपने, ठीक है। बारीक सी लेयर अप्लाई नहीं करनी, ये थोड़ा सा थिक आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो है ना इजीली आपका जो रिज़ल्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि पील पाउडर जो है ना ज़्यादा क्रश नहीं होता, ब्रीक नहीं होता, और ये ज़्यादा आपका जो पतली वाली लेयर नहीं रह गई हो सकती, इसलिए आपको थोड़ा थिक लगाना पड़ेगा अपने हाथों पे। इस तरह से इसको आपने अप्लाई करना है आपने, ये आपने 5 मिनट लगाना है। उसके बाद आपने इसको एक्सफोलिएट करना है हल्के हल्के हाथों से, ठीक है। ज़्यादा आपने एक्सफोलिएट नहीं करना, हल्का हल्का करना है। उसके बाद आपने इसको पानी से सिंपली रिमूव कर देना है। तो बेसिकली ये आपकी स्किन को ग्लो अफेक्ट देगा, और उसके अलावा आपकी स्किन ब्राइट फील होगी। ओके जी गाइस, मैं अपना हाथ धो लिया है, और इतना ज़्यादा मुझे कोई इसका अच्छा रिजल्ट मिला। तो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 टेबल स्पून शुगर है मेरे पास इस तरह से, वो आपने मिक्स कर देनी है इस तरह, ठीक है। कॉफ़ी ली, ठीक है, ये आपने मिक्स की इसके। तो जी हल्दी आपने 1/2 टीस्पून लेनी है इस तरह से, ये 1 टेबल स्पून है, और इसको मैंने हाफ ऐड किया हल्दी इसमें। 1 टेबल स्पून ही आपने पील पाउडर लेना है, ये सबसे मेन पार्ट है जो हम हर रेमेडी में यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज सर्दी आने वाली है, और सर्दियों में ऑरेंज की तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो इसलिए हमें ये ज़रूर ऐड करने चाहिए रेमेडीज में। तो लिया, ठीक है। बाद हमने ये बाथ जेल ऐड करना है, मेरे पास ये वाला बाथ जेल आई डोंट नो कौन सा है, लेकिन आप कोई सा भी ऐड कर सकते हैं जो आपके पास ईजिली अवेलेबल हो। 1 टेबल स्पून है बेसिकली, तो आपने 2 टेबल स्पून लेना है बाथ जेल, ठीक हो गया, ये ऐड किया हमने इसमें। तो जी ये हमारे पास हो गया है 2 टेबल स्पून बाथ जेल, ठीक है, ये आपने ऐड किया इसमें। लास्ट हमारे पास है कोकोनट ऑयल, यहाँ पर मैं ये हिमानी का कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल अवेलेबल नहीं है, तो आप इसकी जगह पे आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों के बहुत ही बेहतरीन फ़ायदे हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 to 5 ड्रॉप कोकोनट ऑयल ऐड करने हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। गैक्सिक, आपने ज़्यादा कोकोनट ऑयल ऐड नहीं करना,
ये जी हमारे पास हो गया। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होनी है आपकी, ठीक है, कोई भी चीज़ आपकी रह ना जाए। ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, आपकी स्किन जो है ना नेचुरल ग्लो करेगी, आपकी स्किन ब्राइट करेगी, आपकी स्किन से टैन रिमूव हो जाएगा। और अब आपने इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपने थोड़ा सा लिया इस तरह से, ये आपने हैंग पे इस तरह से आपने स्क्रब करना है, ठीक है, बहुत जेंटल से स्क्रब हो जाता है, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड सा फील होता है, इस तरह से आपने अच्छे से स्क्रब करना है। इसको वॉश करके आती हूँ और फिर मैं आपको इसके रिजल्ट दिखाती हूँ। फाइनली यहाँ पर हमारी रेमेडीज हुई कंप्लीट, और ये आप इसका रिजल्ट चेक करें कितने अमेजिंग रिजल्ट आप। यहाँ पर जी हमारी वीडियो होती है कंप्लीट, होपफुली आप सबको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।